आपने वॉर जोन से कई बार टीवी रिपोर्टिंग देखी होगी, लेकिन जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वैसा पहले आपने शायद ही कभी देखा हो। जहां गोलीबारी हो रही है, जहां रॉकेट्स गिर रहे हैं, जिन जगहों को छोड़कर लोग भाग रहे हैं, जहां एक एक पल जान पर भारी है, जिन जगहों पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है, वहां हमारी टीम पहुंची और जो कुछ देखा उनकी वानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन पूरी पिक्चर देखनी हो तो आगे आने वाली हर एक रिपोर्ट को आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए। रूस यूक्रेन वॉर जोन में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों और गोला बारूद के बारे में यकीनन आप बहुत कुछ जानना चाहते होंगे। आइए आपको दिखाते हैं टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट, जिसमें आप वॉर फ्रंट से ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोस देखेंगे जो आपने शायद ही कभी देखे होंगे। सैनिकों के तमाम हथियार। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह से क्यों हूं। मैं इस तरह से इसलिए हूं क्योंकि संजीत हल्का सा केवल आप विंडो की साइज दिखाइए। मेरे ठीक सामने में ये विंडो है और मुझे कहा गया है कि किसी भी हालत में विंडो के हाइट से ऊपर नहीं उठना है, क्योंकि यहाँ से होके गोलियाँ पास होती हैं, यानी महज एक दो फीट की ऊंचाई से इसके ऊपर से गोलियाँ आके गिरती है। देख रहे हैं पीछे में ये सब टूटा हुआ, ये सब गोलियों के आने के हैं। गोलियों के आने से इस तरह से फ्रंट लाइन पर लगातार गोलियाँ। तो अगर मैं खड़ा हुआ, और चूंकि मेरे कैमरा सहयोगी संजीत कुमार अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कैमरे का लाइट ऑन है, मैं कमरे के अंदर हूँ। और आप इन हथियारों को देखिए, इन हथियारों से लगातार शेलिंग होती है। ये युद्ध के हथियार, दुश्मनों का नाश करने के हथियार, अपने वतन की रक्षा करने के हथियार। और इन हथियारों के साथ टीवी 9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त मौजूद है उस फ्रंट लाइन पर, जिस फ्रंट लाइन पर आकर आपको लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध में जो बीते 8 महीनों से जंग चल रही है तो सेना किस हालत में है। देखिए सामने में एक गैस सिलेंडर और चूल्हा भी है, सो दैट कि जो सैनिक यहाँ पर रह रहे हैं इस पोजीशन पर हैं वो कुछ खाना बनाकर भी खा सके। इसके अलावा यहाँ जो लोगों के दूसरों जो सामान थे, जो घर खाली हुए थे, वहाँ पर कुछ सामान से ये अपना काम भी चला रहे हैं। इस फ्रंट लाइन के इस हिस्से पे देखिए, मुझे बहुत हथियारों की जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि ये कंधे पर रखने वाले वो हथियार है जिसके जरिए आप सीधे रॉकेट दागते हैं उस तरफ, और उस तरफ यानी कुछ फीट की दूरी पर इस बिल्डिंग के ठीक सामने की जो दूरी है उस दूरी पर। संजीत हमें उस तरफ ज़्यादा नहीं दिखाना है क्योंकि उससे उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि सैनिक किस पोस्ट पर कहाँ रह रहे हैं।